कोरोना वायरस के चलते सैनिटाइजर व माउथ मास्क की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने घरोंडा शहर में 15 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। अचानक हुई छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और इस दौरान शहर के 2 स्टोरों में काफी मात्रा में माउथ मास्क मिले, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक इन मास्क के बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए। फूड सेफ्टी टीम ने इन स्टोरों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। कोरोना वायरस ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद माउथ मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। 2.5 से 5 रुपए में मिलने वाले मास्क को मेडिकल स्टोर संचालक 15 से 20 रुपए तक बेच रहे हैं। वहीं 100 ml का सैनिटाइजर 80 से 100 रुपए तथा 250 ml सैनिटाइजर को 130 व 140 में बेचा जा रहा है, जिसे मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए शहर में फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमारी की और फूड इंस्पेक्टर राजेश कुमार व इंद्र संधु के नेतृत्व में टीम ने दवा विक्रेताओं की दुकानों को चेक किया और 2 घंटे तक चली इस छापेमारी में टीम ने 15 दुकानों की जाँच की, जिसमें अधिकतर दुकानों पर कुछ ही मात्रा में सैनिटाइजर व मास्क मिले, लेकिन चुग मेडिकल स्टोर एवं पूर मेडिकल स्टोर पर 40 से 50 की संख्या में मास्क मिले हैं। टीम ने जब इन मास्क के बिल दिखाने की को कहा तो बिल नहीं मिले, जिससे मेडिकल स्टोर संचालक सवालों के घेरे में आ गए हैं। टीम ने दोनों स्टोरों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। स्टोरों पे भय स्थिति बना रखी है, डर ज्यादा पैदा कर रखा है सोशल मीडिया ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 10 लाख के पीछे एक पेशेंट भी कोरोना वायरस का नहीं है। तो मास्क वगैरह सैनिटाइजेशन वगैरह कैसे? गदर है मार्केट में, पूरा गदर मचा हुआ सारा। कुछ जिसको जो फायदा उठा रहा है, कोई MRP बेच रहा है, कोई MRP से ऊपर बेच रहा है, पर हमारे पास तो काम कोई नहीं। कंपनी का फर्क है, गोरोंडा के अंदर जितने मेडिकल स्टोर थे उनका उचित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 7 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, उसके बाद चुग मेडिकल स्टोर के पास खड़े हैं, हम चुग मेडिकल स्टोर पे हैं, जिनके पास मौके से 10 सैनिटर के जो बोतल थी वो प्राप्त हुई और वो बेच रहे थे उसको। उसका MSP 130 रुपये था और वो 120 रुपये उसको सेल कर। उसके बाद इनके जो मास्क 3 लेयर मास्क वो इनके पास 50 पीस का स्टॉक मिला और 50 पीस का स्टॉक वो 20 रुपये पर पीस वो बेच रहे थे, जबकि वो रेट का पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा ये 18 रुपए का हमारे पास आता है और 20 रुपए का हम इसको बेचते। वो उसका रेट मैक्सिमम जो उनके पास आ रहे थे, मैंने उससे देखा भाई 2 रुपए 20 पैसे का मास्क का रेट है और जबकि ये उसके 20 रुपए तक कुछ हो। इतनी बड़ी बात नहीं, अभी इसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी, जैसी कार्रवाई होगी संबंधित कर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.